उनको जो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आपको ये कठिनाई दे रहे हैं, जैसे कोई हमारा बॉस हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, उनकी वो मिरर कर रहे हैं इस कठिनाई को, उनकी तरफ से हमें कटु शब्द या कोई जो भी डर लग रहा है या जो भी भय लग रहा है या वो हमारे विपरीत जा रहे हैं, तो उनको उनके सोल लेवल पर हमें उनको माफ करना है। तो फिर से कहेंगे, गत जन्मों में हमने माफी मांगनी है सोल से, और इस जन्म के लोगों को हमें मन में माफ करना है। तो बस इस वाले प्रिंसिपल को, इस सूचना को मन में समझ लें, और फिर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको ये करनी है, तो आप इस वाले प्रिंसिपल को याद करके ये ध्यान कर सकते हैं। तो 20 मिनट तक ये ध्यान चलेगा। इसके लिए आप 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके, पलकें बहुत आहिस्ता से बंद, सुख स्थिर आसन, पीठ जितनी सीधी हो सके उतनी पीठ सीधी, और सरल स्वाभाविक सांस पर ध्यान। तो हम अपने हायर सेल्फ को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और लॉर्ड शिवा को आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे कि वे हमारी इस ध्यान में हमारे साथ रहें और हमारा मार्गदर्शन करें। और हम ये 5 अक्षरीय जो मंत्र है उसको मन ही मन बोलेंगे। ये एक कॉलिंग कार्ड है या एक मंत्र है जिससे हम शिव जी की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। मन ही मन बोलेंगे 7 बार, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब हम अपने हायर सेल्फ और लॉर्ड शिवा की अनुमति से, उनकी गाइडेंस से उन सारी आत्माओं को आमंत्रित करेंगे उनके साथ ध्यान करने के लिए, जिनको कि हमने जिनके प्रति हमने गत जन्मों में कोई दुष्कर्म किए थे। अब हम उन आत्माओं को भी बुलाएंगे जो इस जन्म के हो सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि वह हमारे प्रति दुष्कर्म कर रहे हैं।
सरल स्वाभाविक सांस चलती रहे, हम इन आत्माओं के साथ ध्यान कर रहे हैं। आंखें बंद, अब हम क्षमा याचना करेंगे। पहले हम इन आत्माओं से बताएंगे कि मैं एक प्रगतिशील आत्मा हूं, बन गई हूं। जब मैंने ये भूल की थी, तब मुझे ज्ञान का, ध्यान का मार्ग नहीं मिला था, इसीलिए मुझसे ये भूल हुई। अब मैं एक प्रगतिशील आत्मा हूं। आई एम अ चेंज्ड सोल। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। मैं अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेती हूं। मैंने जो पीड़ा आपको दी, वो पीड़ा मैं अब इस जन्म में अनुभव कर रही हूं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। सरल स्वाभाविक सांस और सांस पर ध्यान, आंखें बंद। अब हम उन आत्माओं को संबोधित करेंगे जो इस जीवन में हमें कष्ट दे रहे हैं। हम ये मानेंगे कि ये भी अज्ञानता पूर्वक हमें कष्ट दे रहे हैं। इन्हें मनी मन क्षमा करें। अब हम